कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है दोस्तों, इसकी लोड टेस्टिंग देखने वाले हैं। टाइम हुआ है शाम के 4 बजे और दोस्तों 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगे हुए हैं और 12-12 वोल्ट वाले पैनल है जो कि दो दो की मैंने सीरीज बना रखी है। 165 वाट के सोलर पैनल है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारी छत पर लगे हुए। और दोस्तों स्ट्रक्चर देख सकते हो आप कितना लंबा है। तो दोस्तों इसीलिए ही मैं ये चीज़ आपको पहले भी समझाता हूँ कि दोस्तों बड़े पैनल लीजिए आपको सस्ते भी पड़ेंगे, छोटे पैनल लोगे तो महंगे भी पड़ेंगे। साथ में स्ट्रक्चर भी देख लो, मुझे स्ट्रक्चर का कॉस्ट भी काफ़ी पड़ा है। जबकि अगर बड़े पैनल लोगे तो दोस्तों पैनल भी सस्ते पड़ेंगे और स्ट्रक्चर भी बहुत सस्ती मिल जाएगी और MPPT सोलर इन्वर्टर ही खरीदें। अब तो दोस्तों हम देखते हैं आज पूरा लोड टेस्टिंग सब कुछ देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलते हैं नीचे और इन्वर्टर की स्क्रीन पर जहाँ पर आपको लोड टेस्टिंग भी दिखाएंगे। अगर दोस्तों लोड की बात करें तो दोस्तों इस पर अभी ये एक कूलर चल रहा है जो कि खेतान का है और दोस्तों 130 वाट के समथिंग इसका एनर्जी कंजप्शन है। मैंने मेज़र भी किया है, डेजर्ट कूलर है, काफ़ी अच्छी हवा देता है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इन्वर्टर पर। तो एग्जॉस्ट की मोटर मत लगाइए दोस्तों, अगर आपने सोलर सिस्टम लगा रखा है तो किसी भी कूलर में एग्जॉस्ट की मोटर मत लगाइए, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करती है। आप कूलर की प्रॉपर मोटर ही किसी ब्रांडेड कंपनी की यूज़ कीजिए जिससे कि पावर कंजप्शन कम से कम हो। तो अब चलते हैं इन्वर्टर की स्क्रीन पर जहाँ पर आपको दिखाते हैं। मैंने आपको दिखाया कि दोस्तों मेरा जो लोड है वो एक कूलर चल रहा है और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो दोस्तों देखिए मैंने 2 बैटरी का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। और एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जिस बैटरी का जो मेरे इन्वर्टर का पॉजिटिव वायर जिस बैटरी पर मैंने लगाया हुआ है उस बैटरी में देखिए वाटर लेवल डाउन बहुत जल्दी हो रहा है, और जिस बैटरी में मैंने इन्वर्टर का माइनस लगाया हुआ है उस बैटरी का जो वाटर लेवल है वो डाउन नहीं होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो जिस बैटरी पर आपने प्लस लगाया है इन्वर्टर का बैलेंस चार्जिंग कंडीशन में उस बैटरी में आपको पानी मेंटेन करते रहना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अभी दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 13.4 वोल्ट पर हमारी बैटरी है, तो बैटरी चार्ज हो रही है। देखिए बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने 2 बैटरी पैरेलल में लगा रखी है इस इन्वर्टर पर, तो मैंने जो चार्जिंग करंट है वो 24 एम्पियर सेट किया हुआ है और मैंने दोनों बैटरीज़ का कनेक्शन है वो बैलेंस चार्जिंग कनेक्शन किया हुआ है, मतलब कि दोनों बैटरी 12-12 एम्पियर से चार्ज होगी। देखिए 16.6 एम्पियर से चार्ज हो रही है और टाइम हुआ है दिन के 4 बजे अभी। देखिए यहाँ पर वोल्टेज भी दिखा देता हूँ मैं बैटरी का, और बैटरी बल्क में है मतलब कि 80% से कम चार्ज है। 13.4 वोल्ट पे भी हमारी बैटरी पहुंची है। और तो दोस्तों बैटरी फुल हो गई होगी दिन में, बट वापस हमने कूलर चला लिया तो फिर ये वापस डिस्चार्ज हो गई। और 16% लोड चल रहा है मतलब कि 130 वाट के समथिंग लोड चल रहा है, 15% मतलब 130 वाट के समथिंग अभी लोड चल रहा है क्योंकि मैंने एक कूलर चला रखा है इस पर 130 वाट का है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सोलर से वोल्टेज की तो 31.8 वोल्ट आ रहे हैं और 31.5 वोल्ट आ रहे हैं, और एम्पियर की बात करें तो 13.9 एम्पियर, तो लगभग 14.4 एम्पियर आ रहे हैं सोलर से अभी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए 14.5 एम्पियर वेरी हो रहे हैं बार बार, और अगर यूनिट्स की बात करें तो दोस्तों 116.4 यूनिट इस सोलर सिस्टम से लगभग अब तक हम सेव कर चुके हैं, मतलब कि 1000 यूनिट होने के बाद वापस से जीरो से स्टार्ट होता है क्योंकि 1000 यूनिट हम पहले ही कर चुके हैं। 1000 यूनिट हो गई थी 2 साल के अंदर, अब वापस जीरो से स्टार्ट हो गई, 116 यूनिट हो गई। और जो आजकल इसका जनरेशन है वो 2.5 से 3 यूनिट तक रहता है 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम का मेरे, क्योंकि दोस्तों मेरे लोड क्या है कॉन्स्टेंट नहीं चलता है, दिन में कभी लोड नहीं चलता है क्योंकि ये भी 2 बैटरी लगाने के कारण मुझे 3 से 3.5 यूनिट भी मिल जाती है कभी कभी, ये भी डबल बैटरी लगाने के कारण हुआ है, नहीं तो पहले 2 से 2.5 यूनिट ही मिलती थी। अब मेरा बैटरी बैंक बड़ा है तो उसमें स्टोर हो जाता है। देखिए तो यहाँ पे अगर मैं SPV से देखिए 5.1 एम्पियर हो गया, बैटरी डिस्चार्ज होने लग गई और लगता है कि बाहर छाया हो गई है। और वोल्टेज भी मैं दिखा देता हूँ आपको, 5.12 एम्पियर और 31 वोल्ट हो गए यहाँ पे 30 वोल्ट। तो दोस्तों बाहर लगता है मुझे छाया हो गई है इसलिए यहाँ पे एकदम से एम्पियर इसके डाउन हो गए हैं।
50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 219 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है और 2.5 एम्पियर से अभी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। देखिए 13 वोल्ट पे हमारी बैटरी आ गई है। देखिए 6 एम्पियर आ रहे हैं सोलर से और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज की बात करें 31.1 वोल्ट है। अब यहाँ पे देखिए हमारा कूलर कितने एम्पियर ले रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग देखिए 0.5 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, मतलब कि 130 वाट हो गए लगभग यहाँ पे लगभग ये ले रहा है। मैं बताता देता हूँ आपको दोस्तों, लगभग ये 10 से 11 एम्पियर ले रहा है डीसी के एम्पियर, तो 130 वाट के समथिंग एनर्जी ले रहा है। देखिए 6 एम्पियर आ रहे हैं सोलर से और यहाँ पे बैटरी 0.8 एम्पियर से चार्ज हो रही है, मतलब 6 × 12 तो लगभग 10 से 11 एम्पियर ले रहा है हमारा कूलर, आराम से चल रहा है। और वापस से धूप बढ़ गई है बाहर, इसलिए जो चार्जिंग एम्पियर है ये भी आप देख सकते हो, मौसम का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए दोस्तों बैटरी लगाना आवश्यक है। अगर बुजुर्ग लोग सोचते हैं कि वो डायरेक्ट सोलर से लोड चला लेंगे तो दोस्तों वो आपके लिए हानिकारक है। अभी देखिए यहाँ पे अगर मेरा मान लो बैटरी नहीं होता, डायरेक्ट सोलर से लोड चलाने वाला इन्वर्टर होता तो यहाँ पर मेरे लोड नहीं चल पाता, क्योंकि देखो जो मेरा कूलर है वो 10 से 12 एम्पियर दे रहा है जबकि सोलर से केवल 6 एम्पियर आ रहे हैं। दोस्तों मैं लोड नहीं चला पाता अच्छे से, बट यहाँ पर बैटरी का सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे ही बाहर छाया होगी फिर धूप होगी वापस से बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो इसलिए सोलर सिस्टम में बैटरी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, अपग्रेड सोलर सिस्टम है, बैटरी के बिना कोई भी मतलब नहीं है इसका। मतलब दोस्तों उस प्रकार वे किसी आदमी के साथ उसके परिवार रहता है, उसको बैक सपोर्ट देता है, वैसे ही सोलर सिस्टम में अपग्रेड इन्वर्टर के साथ बैटरी इसका फैमिली की तरह है जिसको बैक सपोर्ट देता है और रात को बैकअप भी मिलता है साथ में। दोस्तों बैटरी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।